हेलो एंड वेलकम वंस अगेन माय डियर व्यूअर्स। आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दैट इज द सेकेंड पार्ट। इस पार्ट में आज हम देखेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, कितना टाइप का क्राइटेरिया हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो क्राइटेरिया की जब बात होता है तो हमारे पास टोटल 5 क्राइटेरिया है ट्राइंगल्स के लिए। फर्स्ट होता है साइड एंगल साइड, दैट इज एस ए एस क्राइटेरिया। सेकेंड होता है एंगल साइड एंगल, दैट इज ए एस ए क्राइटेरिया। थर्ड होता है एंगल एंगल साइड, दैट इज ए ए एस क्राइटेरिया। फोर्थ साइड साइड साइड, दैट इज एस 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 क्राइटेरिया। एंड लास्ट दैट इज फिफ्थ नंबर जो होता है, दैट इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, दैट इज आर एच एस क्राइटेरिया। ये टोटल 5 क्राइटेरिया हमारे यहाँ पे है। अब 5 में से कोई भी सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं द ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट टू ईच अदर। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्राइटेरिया के ऊपर। फर्स्ट क्राइटेरिया दैट इज साइड एंगल साइड। अब यहाँ पे साइड एंगल साइड, यहाँ पे देखिए एंगल बीच में लिखा हुआ है, दैट मीन्स हियर एंगल रिटन इन द मिडल। अब ये पॉइंट बहुत वाइटल है, इसको याद रखना है। अब इस क्राइटेरिया में बोला जाता है टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट। अब यहाँ पे बीच में एंगल लिखने का मतलब है ये एंगल दो साइड के बीच में रहेगा, इंक्लूडेड होगा, मस्ट बी इंक्लूडेड। सो दैट मीन्स सपोज हियर वी आर टेकिंग ए बी इक्वल टू पी क्यू। सो ए बी इक्वल टू पी क्यू ले लेते हैं, देन बी सी इक्वल टू क्यू आर। सो बी सी इक्वल टू क्यू आर, दैट मीन्स यहां पे साइड और साइड हो गया। अब मुझे इंक्लूडेड एंगल निकालना है। अब ए बी और बी सी के बीच का एंगल जो है ये मेरा एंगल बी हो गया। सो यहाँ पे एंगल बी और इधर लिए हैं पी क्यू और क्यू आर। सो पी क्यू एंड क्यू आर ये दोनों को जो इंक्लूडेड एंगल है, ये दोनों के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है दैट इज एंगल क्यू। सो ये एंगल क्यू से इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इफ दिस इज ट्रू, देन वी कैन राइट ट्राइंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन सा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ? यदि मेरा ट्राइंगल जब कंग्रुएंट हुआ तो मेरा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ एस ए एस, दैट मीन साइड एंगल साइड क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ। अब यहाँ पे ये तीनों इक्वल है, ये तो कंग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब बाकी तीनों जो पड़ा हुआ है वो दोनों सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। अब ये दोनों कंग्रुएंट हो गया, सो यू कैन राइट ए सी इक्वल टू पी आर, दैट इज बाई सी पी सी टी। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, दैट इज बाई सी पी सी टी। एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, दैट इज ऑल्सो बाई सी पी सी टी। तो ये गया मेरा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल, दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। अब हमारा सेकेंड क्राइटेरिया हो गया एंगल साइड एंगल। अब यहाँ पे साइड बीच में है, दैट मीन्स दो एंगल लेंगे और साइड को इंक्लूडेड ले लेंगे। यहाँ पे तो हम कोई भी दो एंगल कंसिडर कर लेते हैं। सपोज हम पहले लेते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। सो लिख लेते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, इफ एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। देन ले लेते हैं एंगल सी और एंगल आर, दैट इज एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये दोनों एंगल ले लिए, अब दोनों एंगल ले लिए। अब यहाँ बीच में से साइड, तो ये दोनों एंगल का बीच का इंक्लूडेड साइड क्या है? इधर है बी सी और इधर है क्यू आर। सो मेरा हो गया बी सी इक्वल टू क्यू आर। अब ये तीनों अगर सेटिस्फाई हो गया देन हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर बाई ए एस ए क्राइटेरिया। तो ये मेरा हो गया ए एस ए क्राइटेरिया। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हम मेरा हो ही गया, देन हम रिमेनिंग प्रॉपर्टीज, दैट इज ए सी इक्वल टू पी आर, ये हो जाएगा बाई सी पी सी टी। ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये भी हो जाएगा बाई सी पी सी टी। एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये भी हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो
तो मेरा सीपीसीटी से ये तीनों प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम एएसए क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर, एंगल एंगल साइड। दैट मींस यहां पे देखिए दो एंगल है और साइड जो लास्ट में है, दैट मींस यहाँ पे इंक्लूडेड का जरूरत नहीं है, पड़ेगा इंक्लूडेड नेसेसरी नहीं है। अब ये जो क्राइटेरिया है, ये मेरा जो पिछले जस्ट अभी पिछले जो किए, दैट इज एंगल साइड एंगल, इसके पहले ही जो प्रूव किए उसी का एक्सटेंशन पार्ट है। ये कैसे है इसको दिखाते हैं। दैट मींस यहाँ पे कोई भी दो एंगल ले लेंगे, सपोज एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ले लिए और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर ले लिए यहाँ पे, एंड ए सी इक्वल टू पी आर, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे कंसिडर किए हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंड ए सी इक्वल टू पी आर। देन मेरा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हो जाएगा बाय ए एस क्राइटेरिया, क्योंकि यहाँ पे साइड जो है वो इंक्लूडेड है नहीं। देन इस क्राइटेरिया को बोलते हैं ए ए एस क्राइटेरिया, और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो बाय सीपीसीटी इक्वल हो जाएगा। अब ये इसका पिछला जो प्रूफ किया है, दैट इज एंगल साइड एंगल, इसका एक्सटेंशन पार्ट बोलते क्यों है। अब मेरा यहां पे देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू गिवन है, सपोज इसको हम नंबर वन ले लेते हैं और एंगल सी इक्वल टू आर इसको नंबर टू ले लेते हैं। अब सपोज वन और टू ऐड कर देंगे, वन और टू अगर ऐड कर दिए तो मेरा हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू प्लस एंगल आर। एलएचएस एलएचएस ऐड हो गया, आरएचएस आरएचएस ऐड हो गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180, सिमिलरली एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। यहां से एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल ए, और इधर एंगल क्यू प्लस एंगल आर की जगह रिप्लेस कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल पी। तो इधर 180 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। सो यहां से मेरा मिल गया एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये हम प्रूव कर लिए। दैट मीन्स मेरा यहाँ पे निकल गया एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। अब अगर हम इस दो फिगर में देखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी मेरा अभी प्रूव हो गया। सेकेंड जो है एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये तो गिवेन ही है, और ए सी इक्वल टू पी आर ये भी गिवेन है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया एस, और ये हो गया ए। दैट मीन्स ए एस ए जो कि मेरा पिछला प्रूफ ही था एंगल साइड एंगल। तो दैट मीन्स एंगल एंगल साइड इज अ एक्सटेंशन पार्ट ऑफ एंगल साइड एंगल। नेक्स्ट नंबर फोर, साइड साइड साइड। दैट इज थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू थ्री साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट। दैट मीन्स इन दिस टू ट्राइंगल, सपोज ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, एंड ए सी इक्वल टू पी आर, ये तीनों गिवन है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, एंड ए सी इक्वल टू पी आर। अगर ये हो गया, देन वी कैन राइट ट्राइंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर, दैट इज बाय एस एस एस। इस क्राइटेरिया में मेरा कोई एंगल यूज नहीं होता है, ठीक है ना। यहां पे ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, देन सिंपली ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हो जाएगा। ये सबसे सिंपलेस्ट है, यहां पे कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ता है। सिंपली थ्री साइड इक्वल हो गया, ये कंग्रुएंट हो जाएगा। अब रिमेनिंग जो पोर्शन है ट्राइंगल का, दैट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल पी बाई सीपीसीटी इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ये भी बाई सीपीसीटी इक्वल हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर ये भी बाई सीपीसीटी इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज द फोर्थ नंबर कंग्रुएंस क्राइटेरिया, साइड साइड साइड। नेक्स्ट लास्ट नंबर, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया, दैट इज आर एच एस। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर फोर क्राइटेरियाज। अब यहां पे मेरा दो राइट एंगल ट्राइंगल जरूरी है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज और राइट एंगल चाहिए, तो राइट एंगल ट्राइंगल जरूरी है। अब राइट एंगल ट्राइंगल हम यहाँ पे ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है और पी क्यू आर दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है। एंड नाउ ए बी इन ए बी सी ट्राइंगल एंगल बी इज 90 डिग्री, एंड इन पी क्यू आर एंगल क्यू इज 90 डिग्री।
अब ये दोनों ट्राइंगल में फर्स्ट तो मुझे चाहिए राइट एंगल, दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन मेरा हो गया एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री गिवन ही है, तो ये हो गया राइट एंगल क्राइटेरिया। हाइपोटन्यूज दैट मीन्स ए बी एंड पी क्यू, ये दोनों हाइपोटन्यूज होता है क्योंकि साइड अपोजिट टू राइट एंगल हाइपोटन्यूज होता है, साइड अपोजिट टू राइट एंगल, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा ए सी इक्वल टू पी आर, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि हाइपोटन्यूज चाहिए मुझे। एंड साइड, अब साइड का मतलब होता है एनी वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, बट करस्पॉन्डिंग जरूरी है। अगर हम ए बी लेते हैं तो पी क्यू ले सकते हैं और क्यू आर भी ले सकते हैं, तो मुझे लिखने के टाइम उस ऑर्डर में लिखना जरूरी है, तो ए बी के साथ हम पी क्यू ले लेते हैं। सो सपोज ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। अब अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो गया 90 डिग्री, ये हाइपोटन्यूज, ये एनी अदर साइड, देन हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर बाई आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटन्यूज साइड, ये हो गया आर एच एस क्राइटेरिया। देन बाई सी बी सी टी हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू क्यू आर, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये मेरा इक्वल हो जाएगा बाई सी बी सी टी। तो ये रहा हमारा टोटल फाइव कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब ये पांच होने के बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर जब एंगल एंगल साइड पॉसिबल है तो साइड साइड एंगल पॉसिबल क्यों नहीं है। क्वाइट नेचुरल ये क्वेश्चन आना, क्योंकि एंगल एंगल साइड क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है, तब यहां पे कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाएगा तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होना ही है, क्योंकि दूसरा कंडीशन भी लिख लेते हैं एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। अब ए और पी सपोज इक्वल हो गया, बी और क्यू इक्वल हो गया, तो सी और आर को तो इक्वल होना ही है, अदरवाइज ये एंगल सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगा। दैट्स व्हाई ए एक एस क्राइटेरिया इज पॉसिबल, बट साइड के लिए ऐसा कुछ क्राइटेरिया ट्राइंगल के लिए है नहीं हम लोग के पास, इसीलिए साइड साइड एंगल जो एस एस है ये क्राइटेरिया पॉसिबल है नहीं। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और शेयर करना तो एकदम भी मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। Keep watching for the next parts of this chapter. Thank you once again. Thanks for watching.